ये है जो क्वेश्चन का कलर कराया था, एक क्वेश्चन कराया था हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर, जहाँ दूसरा था हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हमें ऐसा इंग्लिश में लिखा हुआ है, हमने इसकी इक्वेशन लिखनी है और इसको बैलेंस करना है। ठीक है, इसकी इक्वेशन लिखनी है पहले, फिर इसको बैलेंस करना है। बेरियम क्लोराइड, बेरियम का सिंबल होता है बी ए, क्लोराइड का होता है सी बड़ी और एम छोटी। और जहाँ पर बेरियम की जो प्लेंसी होती है वो प्लस टू प्लेंसी होती है, क्लोरीन की माइनस होती है, तो इसकी माइनस इसके साथ, इसकी टू इसके साथ, ये ऐसा बन गया प्लस। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम की होती है ए एल और सल्फेट की होती है एस ओ फोर। एल्यूमिनियम की प्लस की होती है तीन और सल्फेट की होती है माइनस दो। इसकी इसके साथ लग गई और इसकी तीन लगा दी, इसके ब्रैकेट डाली है तो तीन लिखेंगे। ये दो कंपाउंड हैं, उनको मिलाने से क्या बनता है, बेरियम सल्फेट। बेरियम की सिंबल हो गया बी ए, सल्फेट का हो गया एस ओ फोर। दोनों की प्लस इसकी माइनस टू, इसकी प्लस टू होती है प्लस। एल्यूमिनियम ए एल, क्लोराइड की सी एल, लेकिन एल्यूमिनियम की प्लेंसी थ्री होती है तो इसके साथ थ्री लग जाता है, इसकी नाम माइनस वन होती है तो वन लग जाता है, लगता नहीं है कुछ। तो इसको हमने बैलेंस करना है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में देखेंगे तो हमें सबसे ज़्यादा जो दिख रहे हैं वो ये दिख रहे हैं, यहाँ पर सल्फेट के तीन है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर बेरियम का एक है, यहाँ पर बेरियम का एक है, यहाँ पर क्लोरीन के दो हैं, यहाँ क्लोरीन के तीन हैं, एक तरफ दो है एक तरफ तीन है। तो जैसे बुक में बताया है टेबल बनाना है ना, ऐसे हमने टेबल बना लेना है, इसमें सभी का नाम लिख लेना है एल एच एस और आर एच एस। यहाँ पर लिख लोगे आप एस ओ फोर पूरा लिख लो, एल्यूमिनियम लिख लो, क्लोरीन लिख लो। ठीक है, यही हमें ना उसके बेरियम है। तो लेफ्ट हैंड साइड में सल्फेट के तीन है और इधर कितने हैं, एक है। एल्यूमिनियम के इधर दो हैं, इधर एक है, इधर दो हैं, इधर एक है। क्लोरीन के इधर दो हैं, इधर तीन हैं। बेरियम के इधर एक है, इधर भी एक है, दोनों तरफ एक है। ठीक है, तो हम एल्यूमिनियम से जहाँ क्लोरीन से शुरू करते हैं, तो क्लोरीन एक तरफ दो, एक तरफ तीन, तो हम दोनों तरफ छः बनाएंगे। इसको दो से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको तीन से करेंगे। ठीक है, अब क्लोरीन दोनों तरफ बैलेंस हो गया, यहाँ पर थ्री टू का सिक्स हो गए, यहाँ पर टू थ्री का सिक्स हो गए। इसको अच्छी तरह से समझना है, अगर ना समझाए तो दोबारा फिर से पूछना है। ठीक है, छोड़ना नहीं है। अब आगे हमारा क्लोरीन बैलेंस हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे बेरियम, बेरियम तो दोनों तरफ एक था लेकिन यहाँ पर तीन हो गया, इसके लिए बेरियम को भी बैलेंस करना पड़ेगा। हम यहाँ पर इसको भी तीन कर दिया, बेरियम को हमने तीन कर दिया, इस तरफ भी तीन हो गया, इस तरफ भी तीन हो गया, उससे क्या हो गया, यहाँ पर सल्फेट तीन हो गए, एस ओ फोर पूरा टोटल थ्री हो गया, इधर भी थ्री है, इधर भी थ्री है, ये बैलेंस हो गया। इसका मतलब सल्फेट भी बैलेंस हो गया, बेरियम भी बैलेंस हो गया। अब देखेंगे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम यहाँ पर कितने हैं, दो, यहाँ पर भी दो हैं, तो वो अपने आप बैलेंस हो गए। तो ये वाला सिस्टम है जिसमें पहले हमने नाम के हिसाब से उनको उनका सिंबल लिखना है। तो सिंबल के साथ सिंबल जब लिख लेते हैं तो वो हमारी हो जाती है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, यानी कि रफ केमिकल इक्वेशन हो जाती है। तो उसको बैलेंस क्यों करना पड़ता है, वो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमें, हमने नाइन्थ में पढ़ा है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो जो केमिकल कंपाउंड्स लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स के तौर पे
रिएक्ट करते हैं वो राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट के रूप में जब आते हैं तो नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड। दोनों तरफ हमारे सभी जितने भी एलिमेंट्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं उन सभी के एटम्स की गिनती दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। तो केमिकल इक्वेशन होती क्या है, यानी कि कोई भी कंपोनेंट्स आपस में मिलते हैं उनके पहले जो बंधन होते हैं वो टूटते हैं और नए बंधन बनते हैं। जैसे यहाँ पर क्लोरीन ने बेरियम को छोड़ दिया और एल्युमिनियम को अपना लिया, यहाँ पर सल्फेट ने एल्युमिनियम को छोड़ दिया बेरियम को अपना लिया, यानी जे भाई इसके साथ रहता था जे भाई इसके साथ इसने अपने भाई को छोड़ के दोस्त के साथ रहना शुरू कर दिया, इसके भाई ने अपने दोस्त के साथ इधर इसके साथ रहना शुरू कर दिया तो एक्सचेंज हो गई। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो भी हम आगे पढ़ेंगे ठीक है। तो ये केमिकल इक्वेशन हो गई। दूसरी ये है यहाँ पर है सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है Na, वाटर का होता है H2O ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, OH रेडिकल है, नेगेटिव रेडिकल, सोडियम पॉजिटिव रेडिकल है, ये रेडिकल होते हैं, ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये मेटल है, इसमें भी रेडिकल, हाइड्रोजन भी पॉजिटिव रेडिकल, ऑक्सीजन नेगेटिव रेडिकल ठीक है। ऑक्सीजन मिला दो इसके साथ लग गई, हाइड्रोजन के इसके साथ लग गई, ये पॉजिटिव रेडिकल ये नेगेटिव रेडिकल। मोस्टली होता क्या है जो मेटल्स होती हैं वो पॉजिटिव रेडिकल होती हैं और जो ये वाली कैसेज होती हैं जो नॉन मेटल होती हैं वो नेगेटिव रेडिकल होती हैं। तो ये OH जो है वो नेगेटिव आयन है प्लस हमारी है हाइड्रोजन। तो ये हो गई हमारी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, हमने राफ लिखी है बैलेंस के हिसाब से लिखी है ठीक है, क्योंकि सोडियम की बैलेंसी प्लस वन होती है और हाइड्रोक्साइड की माइनस वन होती है, इनको साथ साथ में लिख दिया। अब हमारे पास जो एटम है सोडियम के दोनों तरफ ऐसा टेबल बना लेना ठीक है, सोडियम इधर भी एक है इधर भी एक है, ऑक्सीजन इधर एक है इधर भी एक है, हमें हाइड्रोजन को करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन दो है तो इधर हाइड्रोजन तीन है, तीन वाले को चार कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते, हाइड्रोजन को कम नहीं कर सकते क्योंकि इतने तो हैं ही वहाँ पर, जो भी सामान बन रहा है उसमें हाइड्रोजन के तीन एटम हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको दो से कर देंगे तो ये चार हो जाएंगे, यहाँ पर भी दो से कर देंगे तो हाइड्रोजन यहाँ चार हो जाएंगे, दो ये हो गए और दो ये हो गए, देख लो ये जो इसमें दो हाइड्रोजन थे और दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम मिलकर वाटर बना था और एक मॉलिक्यूल बन गया ठीक है, उसके हमने दो मॉलिक्यूल उसके आगे दो लिख दिए, इसका मतलब ये दो मॉलिक्यूल बन गए इसके वाटर के, उससे हमारा काम अभी थोड़ा सा हो गया, ऑक्सीजन दो हो गए यहाँ पर, ऑक्सीजन यहाँ भी दो हो गए, हाइड्रोजन यहाँ भी चार हो गए, दो यहाँ पर दो यहाँ पर, हाइड्रोजन भी बराबर हो गए, लेकिन यहाँ पर सोडियम दो हो गए, यहाँ पर सोडियम अकेला है उसको भी दो कर दो। तो ये स्टेप बाई स्टेप आपने करना है और उसको आना चाहिए आपको दिमाग में बैठना चाहिए। पहले हमने दोनों तरफ के एलिमेंट्स के एटम गिनती करनी है, ऐसा टेबल बनाना है, टेबल के हिसाब से जिसकी गिनती सबसे ज़्यादा है वहाँ से शुरू करना है ठीक है। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर दो के एक पार्ट मैंने कल कराया था, दो पार्ट मैंने आज करा दिए, तो इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो मैं कल को कराऊंगा। तो इसको आपने सीखना है क्या था, ये बैलेंसिंग राइटिंग द केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग इट, को बैलेंस करना यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करना, दोनों तरफ के जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स को गिनना और उनको आपस में बराबर करना। थैंक यू, ओके।